हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? मैं हेलो, आवाज आ रही कि नहीं? चैट सेशन में बता सकते हो? गुड। चलिए, आज हम स्टार्ट करने वाले थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ दिख रहा है और इधर ये दिख रहा है। दिख रहा है ना? बोर्ड तो दिख रहा होगा जो लिखा है पूरा। आने दो बच्चों को, ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स पीरियोडिक टेबल देखा था और न्यूलैंड ऑक्टेव और दो वर्नियर। ठीक है, ये सभी हमने लॉग देख लिए थे। एक और होता है, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वो आपके इसमें नहीं दिया गया, 11th क्लास में दिया गया। ठीक है, एंड देन इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको क्लासिफाई किया था मोस्ले, मोस्ले भी कह सकते हो और नील्स बोहर भी कह सकते हो। यहाँ मोस्ले के साथ साथ नील्स बोहर भी लिख देते हैं क्योंकि तो उन्होंने मोस्ले बोहर। दो साइंटिस्ट थे, पहले इन्होंने किया फिर उसके बाद बोहर्स ने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जस्टिफाई किया। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अरेंजमेंट पे बात चल रही थी, जो भी साइंटिस्ट आ रहे थे आपके वो क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट करने में लगे हुए थे पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, चाहे वो क्या मेंडलीफ हो, डोबरनियर हो, न्यूलैंड हो, कोई भी साइंटिस्ट हो, वो एटम्स को स्टेबल करने में लगे। उस टाइम पर एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था क्योंकि ये देखिए, ये जो मोस्ले थे वो फिजिक्स साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो जो थे वो क्या कर रहे थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक्सरे पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रही थी। ठीक है, एक्सरे के यहां लिख देते हैं एक्सरे की, एक्सरेज की एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उन्होंने ये देखा कि एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है, एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर कहाँ से आया, कोई बच्चा बता पाएगा एटॉमिक नंबर कहाँ से आया? ठीक है, ये जस्ट का नंबर नहीं है, ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। जो अभी अभी ज्वाइन हो रहे हैं वो भी मोसले ने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किस पर, एक्सरेस पर। उन्होंने एक्सरेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। जो एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड होती है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, सुनते रहिएगा, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, मास पे नहीं। अरे ठीक हो जाएगा, ब्लर है, ब्लर ही तो है ना, बाकी थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, कम से कम ये पोर्शन तो दिख रहा होगा, उधर तो लाइट पड़ रही है। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं वो भी सुन लो। ठीक है, इन्होंने बोला जो एलिमेंट्स होते हैं वो मास की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो एक्सरेस की प्रॉपर्टी। अरे एलिमेंट नहीं होता एक्सरेस, ठीक है, वो मास की प्रॉपर्टीज पर ना ना करके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है। अब यहीं पर मैं बता देता हूँ, जैसे कि सपोज करो एक एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, लिथियम, चलिए सोडियम ले लेते हैं, सोडियम सबका फेवरेट है, सोडियम। ठीक
अब मैंने पूछा इसका, चैट सेशन में सभी बच्चे आंसर दीजिएगा, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और मास कितना है। ठीक है, गुड आदेश, ये तो 9th में पढ़ के आए हो ना। ठीक है, 23। देखिए इसका एटॉमिक नंबर तो कितना होता है, 11 होता है। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। प्रोटॉन कितना होगा इसका, 11 होगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, 12। मास कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तब 23 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया तो यदि हम प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, मास। हमने यहाँ मास डिफाइन कर लिया। यदि आपको मास पता है तो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो किसी भी एलिमेंट का। और प्रोटॉन किसके इज इक्वल्स टू है, ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर कहां से आया ये पूछेगा कोई, तो प्रोटॉन से आया। ठीक है, नंबर से प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन से नंबर आया। हमारे पास तो क्या तीन ही पार्टिकल्स थे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन तो क्या वेरिएबल बदलते रहता है वो। ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन है ये बदलेगा, प्रोटॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, बिल्कुल साथ में ही चलेंगे। हाँ हाँ पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा। तो ठीक है, आपको ये पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ कैल्शियम का लिया है 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है। ठीक है, आपको बताने इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितना है और मास कितना है। चलिए यहां 20 प्रोटॉन दिया है, 20 न्यूट्रॉन दिया है और आपको एलिमेंट के नाम भी बताने हैं। चलिए आपको एलिमेंट के नेम भी बताने हैं कि कौन सा एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन 20 है, न्यूट्रॉन भी 20 है। तो सबसे पहले क्या निकलेगा बताइए, नहीं दिख रहा होगा, यहां पर हम लिख देते हैं 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। आपको इलेक्ट्रॉन बताने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये निकालना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये किस कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से बताइए। कोई तो बोलिए कि कौन सा एलिमेंट होगा, 9th में पढ़े हो। हाँ ठीक है हबीब, ठीक है चलिए गुड। कुछ बच्चों के आंसर आए, ये होगा कैल्शियम सीए। हाँ ये सीए होगा। ठीक है 40, क्योंकि इसका मास 40 हो जाएगा, तो 40 किस एलिमेंट का मास होता है, तो कैल्शियम का होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, जल्दी बताइए, 20 इसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एक्सरेस पर जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इन्होंने देखा कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत सारी क्वांटिटीज में हैं, तो इन्होंने उस टाइम पर एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया कि एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन। ये सब 9th का था, अभी जो बता रहे थे आप लिख सकते हो। मोस्टली जब एक्सरेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उन्होंने क्या देखा, एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो एटॉमिक नंबर पर होती है, ना कि मास पर, ना कि मास पर, मास पे डिपेंड नहीं करती, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन इनकी।
ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन, इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इन्होंने जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं आप कह सकते हो मेंडलिक, उन्होंने क्या बोला था, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास बोला था, इन्होंने बोला नंबर, यहीं पर पूरा खेल बदल गया। अब एटॉमिक नंबर कहाँ से आए ये तो आपको मैंने बताया है, ठीक है, जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, और भी है, ये कुछ ज्यादा बड़ा है। When element are arranged in order of increasing atomic number, इन्होंने अरेंज कैसे किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। देन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड आफ्टर फिक्स इंटरवल, ये बात तो मेंडलिफ बोल रहा था, एक फिक्स इंटरवल के बाद जो भी हमारा एलिमेंट उसके नीचे मिलेगा तो उसकी भी प्रॉपर्टीज उसकी इक्वल होगी, मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं इक्वल होगी, ये भी बोल रखा था, ठीक है। और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर फिक्स इंटरवल के बाद बदलते रहेगा, जैसे कि इनकी साइज बदलती रहेगी, ये सब इन्होंने बताया था। कुछ बातें थी जो कि रिपीट की थी मेंडलिफ की बातें को, ठीक है, जैसे कि एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या आ रहा था, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हमारे दूसरे एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी जगह हम नील्स बोहर का भी बात कर लेते हैं। नील्स बोहर, बोहर जो थे इन्होंने लास्ट पीरियोडिक टेबल दिया, इसको बोलोगे तो आप ये आइंस्टाइन को भी मतलब पीछे छोड़ने वाले थे, ये आइंस्टाइन को टक्कर देते थे एक टाइम पर, ठीक है, जब इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने इंक्लूड किया। अब बोहर के अकॉर्डिंग इन्होंने किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया, बोहर अरेंज एलिमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक, लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे और इन्होंने जो नंबर के अकॉर्डिंग किया था वो भी, ये अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, बस इन्होंने नंबर दिया और फिर नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन किया। जब तक नंबर नहीं होता इनका तब तक कॉन्फ़िगरेशन भी तो नहीं कर सकते थे ना हम लोग, कहाँ होता, नहीं हो पाता कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए को मिटाते हैं, लिख लीजिए जो लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत लिए हो, अब लिख लीजिए, या अभी भी स्क्रीनशॉट से ही काम चल रहा है। चलिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो कैसा होता है, 7 पीरियड्स होते हैं, ये तो हमारे जो साइंटिस्ट थे मेंडलिफ उन्होंने ही बता रखा था, और ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। बीच के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहां पर लिख देता हूं, डी
ब्लॉक के एलिमेंट है उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि पीरियोडिक टेबल फिर आता ही नहीं पूरा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने नहीं लिखे, मैंने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक सिर्फ दो ही ब्लॉक को लिए हैं। डी ब्लॉक ये जो बीच में छोड़ रखा है मैंने, ये समझ लीजिए डी ब्लॉक है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म प्रायोरिटी टेबल में क्या था, 18 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं ना, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात चलेगी कुछ, तीन चार तरीके के ब्लॉक होते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं हम एस एस टी डी एफ, ब्लॉक्स होती हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, चलिए चैट सेशन बताइए, एस ब्लॉक कौन कौन से आते हैं एस ब्लॉक में, ठीक। और बाकी बच्चे एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, प्रायोरिटी टेबल सामने लेकर बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है जिसके घर पे होगा जिसके पास होगा वो। कितने ब्लॉक होते हैं एस ब्लॉक के ग्रुप, निखिल चलिए गुड, 1 और 2 दो ग्रुप्स होते हैं एस ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक में सिक्स ग्रुप्स। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक, यह है हमारा एस ब्लॉक, डीएल लिखो एस डीएल, ठीक है। और ये होगा हमारा पी ब्लॉक, 13 से 18 तक का पी ब्लॉक, ओके। और बीच में जो होगा आपका, ठीक है, इतना छोटा तो नहीं होगा, डी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने कितने ग्रुप्स होते हैं, 13 से 18 जितने भी आएंगे ग्रुप्स वो क्या होंगे, पी ब्लॉक के होंगे, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक में किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये भी कोई बताएगा ना मुझे, पी ब्लॉक में किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन एलिमेंट्स को आप क्या बोल सकते हो, मोस्ट ऑफ दिस, हाँ, नॉन मेटल, नॉन मेटल पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें और नॉन मेटल को छोड़कर और भी मिल पाए जाते हैं। अब डी ब्लॉक में देखें हम तो 3 से 12 तक का, 3 से 12 तक का हमें क्या मिलेगा, यहां पर लिख सकते हो आप 3 से 12 तक का जितने भी ग्रुप्स आए आएंगे वो डी ब्लॉक के अंदर आएंगे। और एफ ब्लॉक में आप नीचे देखिएगा पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक दिया गया होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं, लेंथेनाइड और एस्टेनाइड, ठीक है, इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। इस तरीके से होगा, देखिएगा पीरियोडिक टेबल के नीचे
सिक्स और सेवन, इसके बाद जस्ट स्टार्ट होता है लेंथेन एंड। ग्रुप के बाद स्टार्ट होता है लेंथेन एंड, ठीक है। 57 से 71 तक लेंथेनाइड्स होते हैं और 89 से 103 तक का, 89 से 103 तक क्या होता है एस्टेनाइड, नॉइड, ये होते हैं। इसके बाद जो आएंगे बेरिलियम के बाद एलिमेंट, कहाँ 57 से 71 तक का वो इधर फिल होगा, ठीक है, और एस्टेनाइड 89 से 103 तक का इधर आ जाएगा सर, 10 और 6 ब्लॉक। ये थे ब्लॉक, ठीक है। लॉन्ग टर्म वन पीरियड जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीरियड यहां, ये 18 से 108 से 89 से 103 तक का, 89 से 103 तक का एस्टेनाइड का होता है, एस्टेनाइड, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब ये याद रखिएगा, लिखते चलिए। एस ब्लॉक वन और टू ग्रुप्स को हम एस ब्लॉक में लेते हैं। अब इनके भी नेम होते हैं, उस नेम को बाद में लिखाएंगे। एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, इन सब का भी नेम होता है। बोरॉन फैमिली का अलग नेम होता है, कार्बन का, फ्लोरीन का, ठीक है। १९१३ में इन्होंने डिफाइन किया था पीरियोडिक टेबल का। Description of periodic tables of periods. ठीक है, क्या होता है देख के बताइए जरा। फर्स्ट पीरियोडिक को टेबल, फर्स्ट पीरियड को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट, शॉर्ट पीरियड की लॉन्ग पीरियड। ये जो है फर्स्ट पीरियड, अब इधर की तरफ जाएंगे ना हम तो, ठीक, गुड निखिल, फर्स्ट पीरियड को हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। अब सेकंड पीरियड को क्या बोलेंगे, सेकंड एंड थर्ड को यहां लिख देते हैं, सेकंड एंड थर्ड। ये भी किसमें आएगा बोलते चलिए, ये भी शॉर्ट पीरियड में ही आएगा, पर इससे ज्यादा हो जाएगा। सपोज करो लिथियम से, लिथियम से लेकर नियॉन और सोडियम से लेकर आर्गन एआर तक का, इसमें सेकेंड पीरियड में आएंगे एलिमेंट। लिथियम से, लिथियम से नियॉन और सोडियम से आर्गन तक का। अब इसके बाद फोर्थ फिफ्थ में चलते हैं, फोर्थ और एंड फिफ्थ इसका देखिए जरा, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉन्ग पीरियड में। अब कहां से कहां तक होगा लॉन्ग पीरियड, देखिए पोटेशियम से,
कहां तक का? क्रिप्टॉन तक का, के आर कैसे के तक का, किसमें आ जाएगा? क्रिप्टॉन। और फाइव का देखें, फोर्थ एंड फिफ्थ बोला ना, तो आरबी क्या होता है? रुबिडियम होता है। रुबिडियम से लेकर एक्सी क्या होता है? एलिमेंट का नेम क्या है एक्सी का, बताइए। 11 के बच्चों को नहीं पता आज एक्सी क्या है। एक्सई क्रिस्पस, एक्सई जेनॉन। हाँ ठीक, जेनॉन है। ठीक है, अब सिक्स से सेवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्स सिक्स और सेवन, सिक्स का क्या होगा? ये भी तो लॉन्ग पीरियड में ही आएगा, वेरी लॉन्ग पीरियड। देखिए लॉन्ग पीरियड, देख अगर देखें तो सीजियम से लेकर आरएन तक तो है ना, सीजियम से लेकर आरएन तक तो है ही है, वो सीजियम से आरएन तक का। आरएन क्या होता है? क्या होता है आरएन? बहुत क्या होगा? याद रखने के लिए, अगर बाय द वे पूछा गया आपको कि फोर्थ पीरियड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है पीरियड के अकॉर्डिंग ही इनकी साइज भी इंक्रीज होती है, इनके मतलब इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन होगी उस टाइम पर जब हम कॉन्फिग्रेशन करेंगे। अभी तो आप फिर 10th में तो आपको बेसिक्स ही बताया जा रहा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। बाद में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स पे डिपेंड करेगी कि ये क्वेश्चन आ जाएगा, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक का अगर आपका पीरियड बढ़ रहा है, मतलब तो पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक का जा रहा है, तो साइज इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब बहुत से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, ये पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है पीरियडिक टेबल देखेंगे सर वो तो पता हो जाएगा, याद भी करने पड़ेंगे ना इन सबको। ठीक है, रेडॉन तक का होगा, फिर इसका 57 से कौन सा एलिमेंट आता है? लैंथेनाइट और ल्यूटेटियम। एल से इसी में नहीं आ जाएगा लॉन्ग, अभी तो इतना लॉन्ग दिख रहा है ना वो, एलयू, एल ए से एलयू तक का। अब सेवेंथ में क्या कौन सा आ जाएगा सेवेंथ पीरियड में? ये भी वेरी लॉन्ग रहेगा, ठीक है, और ये इनकम्प्लीट पीरियड रहेगा। देखिए यहां पर तो इनकम्प्लीट है ना, 1 2 3 4 5 6, सिक्स बॉक्सेस खाली हैं। लॉन्ग रहेगा जरूर लेकिन इनकम्प्लीट रहेगा, ठीक है, इधर तो कुछ है ही नहीं। है ऐसा नहीं है, उसको क्या बोल सकते हो, इधर उस टाइम पर डिफाइन नहीं किया गया था, जब मोसले ने पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पर डिफाइन नहीं किया था। क्यों नहीं क्यों हुआ था? क्योंकि ये सिंथेसाइज है, सिंथेसिस एलिमेंट्स होते हैं, सिंथेसिस एलिमेंट्स मतलब ह्यूमन मेड, मतलब उसको हम लोग नेचर नहीं दिया है, हमने बनाया उसे, वो एलिमेंट उस जगह आएंगे, उसको लिखे नहीं है हम, उनको याद भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को, आपको जो याद करना है वो आपको बता दिया जाएगा। 89 से 103 तक का ये आ जाएगा। एसी पहले तो एफ आर लिख लो, एफ आर फ्रांसियम, ठीक है, फ्रांसियम से कहाँ जाएगा? रेडियम तक, दो ही है इसमें बस। फिर एस्टेनाइट से, एस्टेनाइट सीरीज स्टार्ट होगा एसी से एलआर तक। आरे और एसी से एलआई, एलआर सॉरी, एलआर रहेगा, एलआर।
आज क्या हो गया था मैडम की क्लास में? हाँ बोल। मैडम की क्लास में क्या हो गया था? किसने स्क्रीन शेयर कर दिया था? क्या कर दिया था? इतने सारे बच्चे आप लोग शेयर क्यों करते हो अपना आईडी? या आप लोगों की बदमाशी होगी पता है, शेयरिंग कर देते होगे किसी किसी को, या फिर दूसरे फोन से आप लोग ही करते होगे। ऐसा मत किया करो। और आपके टेस्ट होगा तो हम बता देते हैं, दोनों चैप्टर का लिया जाएगा। इसके क्वेश्चन ही बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये बाद में पढ़ोगे आप। 6 और 7 को भूल जाइए, ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड को पढ़ना भी नहीं है, याद भी नहीं रखना है, ठीक है? हाँ, ये पूछ सकता है कि लेंथेनाइड कौन कौन से पीरियड्स में आते हैं, तो आप 6 और 7 बता दीजिएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड ये तो बेसिक है ना, ये तो पूछ सकता है के आगे क्या होगा भाई। इसके आगे सेंथेसाइजर होते हैं, सेंथेसाइजर एलिमेंट्स होते हैं इसके आगे। हाँ ठीक है, ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन से पीरियड्स में है, कौन से ग्रुप में है, बस, और ज्यादा नहीं। जैसे कि हम पूछेंगे अभी, क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं बताइए। अरे ग्रुप तो बताएंगे बच्चे, थोड़ा रुक जाओ। वाह ठीक है, कितने होते हैं फर्स्ट में? अभी अभी देखिए, अभी पढ़ाए हैं, अभी भूल गए हो, अभी गलत आंसर दे रहे हो। सामने बोर्ड है, सामने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, सामने बुक पढ़ा होगा, फिर भी गलत आंसर। ठीक है, और बाकी बच्चे, ये कितने एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट पीरियड में? यही आएगा और कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। कौन कौन से वो दो एलिमेंट्स हैं? ये ले कृष्णा, 7। ठीक है भाई, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हो गया पूछा था, तो ये फर्स्ट पीरियड में ये हाइड्रोजन हो गया और ये हीलियम हो गया, दो ही तो होते हैं भाई। क्या होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम कितने होते हैं? 2 एलिमेंट्स होते हैं। अब काउंटिंग कीजिए, सेकंड एलिमेंट, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं काउंट कीजिए। ये यहां से स्टार्ट नहीं है ना, यहां से स्टार्ट मत कर देना। कनेडियम यहां से स्टार्ट है, डी ब्लॉक, ये खाली है अभी, पहले बता रहे हैं। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? वो तो ये तो वेरी शॉर्ट होता है पीरियड, हमने लिखाया भी अभी। एट कितने होंगे? 8 होंगे टोटल। काउंटिंग करें, सेकेंड में 8 होंगे। यहां लिख देते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ठीक है, ये हो गए 8, 8 एलिमेंट टोटल, 8 एलिमेंट होंगे। थर्ड में कितना होगा? थर्ड में जरा बताइए, टोटल
टोटल एलिमेंट कितने होंगे? हाँ यस यार, थर्ड में बोल रहे हैं आप लोग। पीरियोडिक टेबल पकड़ के नहीं बैठे हो क्या क्लास में? अरे यहां से ना बहुत से एलिमेंट आते हैं। डी ब्लॉक, अभी डी ब्लॉक का काउंट करना है आप लोगों को। ऐसा नहीं है, यहां से देखते हैं। डी ब्लॉक हमने बनाया नहीं है, बोल रहे हैं ना, डी ब्लॉक हमने बनाया नहीं है। ये कुछ दिन आंसर दिया। अच्छा थर्ड में क्या कितना आ जाएगा? 18, 18 एलिमेंट होंगे। हाँ अब आप लोग बोलोगे सर इसका क्या काम हमारे से, इसी से आ जाएगा। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं याद तो करना पड़ेगा ना। और ये भी पूछेगा थर्ड एलिमेंट के 15वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है। थर्ड पीरियड के 15वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? क्वेश्चन बना कि नहीं बना? क्वेश्चन बना। इसका होगा सोडियम से स्टार्ट करना और कहां आर्गन पे चले जाना, एआर पर। बीच में आपको मैग्नीशियम मिलेगा, स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। फिर आ जाता है क्रिप्टॉन तक का आएगा थर्ड। नहीं 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 अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए, ये थर्ड में नहीं, ये नहीं आएगा। थर्ड में सिर्फ यही आएगा, हमने तो कुछ ऊपर नीचे लिख दिया इसको टेबल को। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये और भी नीचे आ जाएगा। सैनेडियम यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ से क्रिप्टॉन से स्टार्ट है जी। थर्ड में 80 आएगा, 8 एलिमेंट। एलिमेंट मैंने ऊपर लिख दिया सबसे। काउंटिंग करेंगे तब क्या क्या आ जाएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और एआर आर्गन, ये सब एलिमेंट आएंगे। फोर्थ में देखें, फोर्थ में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? फोर्थ में आ जाएंगे 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट। ठीक है, काउंट कीजिएगा पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक का, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से फोर्थ का ये हो गया। फिफ्थ का भी फिफ्थ का भी क्या आ जाएगा? 18 हो जाएगा। सिक्स का कितना होगा? 32। सबसे ज्यादा सिक्स पीरियड का एलिमेंट्स होते हैं सिक्स, ये आपको पता होना चाहिए। सिक्स पीरियड में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं 32। और इसमें आ जाएगा सेवेंथ में 25। ये तो उस टेबल के बाद कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी के न्यू पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे डिफाइन होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये जो गैप्स हैं ये सारी भरते जा रही हैं। जैसे कि सिंथेसाइज्ड एलिमेंट्स हो गए,
अभी रिसेंटली कोई एक एलिमेंट रीडिफाइन हुआ है, अब चलिए इंपॉर्टेंट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे अरेंज, नील्स बोहर ने कैसे अरेंज किए थे पीरियोडिक टेबल को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कैसे उन्होंने अरेंज किए थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के वो भी है नेम, वो आपको लिखने हैं, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे तो मिटा देते हैं, ये लिख लीजिएगा। सेवेंथ में 25 एलिमेंट्स आ जाते हैं, सिक्स में 32, ठीक है। अगर वन से कहां तक का 17 तक के एलिमेंट्स देखें, वो क्या होते हैं हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि इस वाले ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा एच है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रॉन्शियम, इसको बोलेंगे हम क्या? क्या बोलेंगे उसको बताइए जरा। इसको बोलेंगे एल्कली मेटल। यदि आपसे पूछा गया एल्कली मेटल कौन से होते हैं, तो ये वाला रॉ फर्स्ट ग्रुप जो होते हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट होंगे वो एल्कली मेटल्स होंगे। अब सेकेंड में चले जाते हैं, सेकेंड ग्रुप की नेमिंग, सेकेंड ग्रुप के नेम क्या होगा? हाँ ठीक है, क्या होगा? एल्कली अर्थ मेटल लिख लेना, इसको मिटा रहे हैं। अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप के नाम होगा एल्कली अर्थ मेटल। क्या बोल रहे हो, बताएंगे उसका भी बताएंगे। एंड में तो आता है बच्चे, जिंक आता है एंड में, चलिए एंड में लिख देते हैं ZN। ठीक है, जिंक आता है, ये हो गया एल्कली मेटल, इस वाले ग्रुप का नेम हो जाएगा एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल। और बीच में जितने भी होंगे, बीच में जितने भी होंगे 3 से लेकर 12 तक का, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये बच्चों के आंसर आने चाहिए, बीच में जो डी ब्लॉक्स रहेंगे हमारे 3 से 12 तक का, उसको हम क्या, कौन सा मेटल बोलेंगे? मेटल तो है, ये तो सबको पता है, उसको क्या बोलेंगे, उन मेटल्स का नेम क्या हो जाएगा? ठीक है, और बाकी बच्चे, सिर्फ एक ही बच्चा आज नहीं कर रहे क्या, कोई ऐसे क्लास में बैठ रहते हैं तो? ये थारा भाई कौन है, निकाल रहे हैं इसको, पूरा नाम लिख कर आइए। थारा भाई को थारे में पहुंचा देंगे। बदमाशी भी करते हो यार, और भाग भी जाते हो डर से। क्या हो जाएगा अभी बताइए बच्चे आप, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल, जितने भी होंगे हमारे वो मेटल कहलाएंगे ट्रांजिशन मेटल, लिख लीजिए ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन ऊपर रहेगा, मेटल नीचे रहेगा, जगह नीचे, तो मेटल ट्रांजिशन मेटल हो जाएंगे। 3 से लेकर 12 तक के जितने भी आपको एलिमेंट दिखेंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे। अब पी ब्लॉक में देखते हैं। हम्म,
पी ब्लॉक नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप को रहेंगे? ठीक है, दो मार्कर पकड़ लेते हैं आप, ग्रीन वाला दे लेते हैं। आपका ये कार्बन हो जाएगा, नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और देखते चलिए ग्रीन में जितना भी है, फास्फोरस सल्फर, सेलेनियम, ये। अरे इतना भर दिया इसको, बह ही रहे। ठीक है, अब हाइड्रोजन कौन सा होगा हमारा हाइड्रोजन ग्रुप? जल्दी से बताइए हाइड्रोजन। ये तो वैसे तो नॉन मेटल्स में ये सभी आते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर भी नेम होते हैं ना। जल्दी बताइए हाइड्रोजन ग्रुप कौन सा होगा हमारा? अरे नोबल गैस नहीं बच्चे, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप होगा हमारा ये, देखते चलिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन, ये होगा हमारा नोबल गैस, ओ सॉरी हैलोजन, हैलोजन ग्रुप। दिख भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, इधर तो लिख लीजिएगा, यहाँ नीले कलर में हमने लिखा है हैलोजन ग्रुप। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हाइड्रोजन ग्रुप और नोबल गैस, इस वाले को हम नोबल गैस बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 को नोबल गैस ग्रुप्स कहेंगे, नोबल गैस, ये याद रखिएगा, ये जो होंगे नोबल गैस होंगे हमारे जितने भी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये हमारे नोबल गैसेस में आ जाएंगे। 18 ग्रुप बोलते हैं, जीरो ग्रुप भी बोल सकते हो इसको, 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे नोबल गैसेस होंगे वो हमारे, हो गया। अब बचा मेटलॉइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स? उसका मार्कर दैट मार्कर लिखिए, बोरॉन जो होगा हमारा मेटलॉइड होगा, सिलिकॉन होगा वो हमारा मेटलॉइड होगा, आर्सेनिक होगा वो भी मेटलॉइड होगा, और कल ही हमने पढ़ा था क्या, जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे किसने नेमिंग दी थी, मेंडलीफ ने, हाँ एक का एल्यूमिनियम नहीं है, एक का सिलिका, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, ये लिखते चलिए मेटलॉइड, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, एसबी, एंटीमनी और टेलेरियम, ये हो जाएगा, और पोलोनियम, पोलोनियम होगा क्या? पोलोनियम भी होगा, पोलोनियम जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कह सकते हो इसको। इतना हो गया, और ये जो होगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और ये पीबी, लेड, बीआई, बिस्मिथ और एसएन, क्या होगा हमारा, टिन, ये मेटल्स होंगे, प्योर मेटल्स होंगे। ठीक है, जितने भी बच्चे ना यहाँ छुपे हुए, बिस्मिथ, लेड, थेलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम, ये क्या हो जाएंगे हमारे, प्योर मेटल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। क्या होता है फिर पोलोनियम, आता है मेटलॉइड में, ये भी
ये हो गया आपका ऑलमोस्ट, ये खत्म हो गया है। मेटल्स में ये इनको मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर लेते हैं, जो पी ब्लॉक है जितने भी उसको आप नॉन मेटल्स कह सकते हो, और इधर के जितने भी रहेंगे उसको मेटल्स बोल सकते हो। अब चलिए इनकी नंबरिंग करते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेड मार्कर यूज कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ में देख ही लेते हैं इनके साथ में। बोहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन को कैसे होता है, इन्होंने इनके जो ग्रुप्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने इस तरीके से किए थे। सपोज करो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो हमारा होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करना चाहे इसको, बोहर्स ने कौन सा मॉडल दिया था ये तो आप पढ़कर आए हो। बोहर्स ने बोहर्स मॉडल दिया था इस किसी भी कोई भी एलिमेंट जो होते हैं वो एक सेल्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेल्स में घूमते हैं अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी फील्ड होते जाएंगे। सपोज करो हाइड्रोजन इस तरीके से इन्होंने सेल्स बनाए हुए थे, फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन कितना है, फर्स्ट है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वैलेंसीज की बात कर रहे हैं, इसके आउटर मोशन में कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1A लिखा ना, ये वाला रोमन में लिखा गया है 1। अब इसके बाद लिथियम पे आ जाइए, ठीक है। लिथियम पे ये क्या करेगा, वर्क नहीं करता। जो बोहर्स मॉडल था ना, आप 9th में पढ़े होंगे, बोहर्स के ड्रॉबैक क्या थे, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही फॉलो होता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे। अब यहां पर देखते हैं सोडियम का भी, Na यहां लिख लेते हैं, Na का होता है 11। कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें इस तरीके से हम एलिमेंट की, तब 2, 8, 1 इस तरीके से होगा। इसको आप 2, 8, 1 आपने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ तो रखा है ना, आपने बताया भी है कि इस वाले शेल्स की एनर्जी कितनी होती है, 2 होती है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन के रख सकता है। इस वाले सेल्स की एनर्जी कितनी होती है, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इस वाले सेल्स की एनर्जी कितनी होती है, 18 होता है। इसके बाद वाले सेल्स की एनर्जी कितनी होती है, 32 होती है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली बोहर्स ने एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब देखिएगा इसकी वैलेंसी 1 आई है ना हाइड्रोजन की, तो इसके सभी की वैलेंसी 1-1 ही आएगी। यहां देखिए इसका तो 1 ही था, तो 2, 8, 1। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 1। आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे। थर्ड सेल में 8 नहीं होता बच्चे, 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें, ठीक है। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जब लोगे ना तब 18 लेना पड़ेगा, अभी आप उस पर मत जाइए, अभी जो बता रहे हैं उसको देखिए। सोडियम पोटेशियम का करें इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, के इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर बताइए जरा कोई, के का होता है 19, तो 2, 8, 2, 8, 1 हो जाएगा इसका। KLMN, अरे ऑक्टेट रूल भी तो फॉलो हो रहा है इसमें,
जो बच्चा बात कर रहा है सर, इसका भी एट होता है, एट नहीं होता बच्चे, हम क्या कर रहे हैं, बोहर्स मॉडल जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए चल रहा है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम कॉन्फिगरेशन कर रहे हैं, इसके बोहर्स मॉडल ने जो मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंगली बोहर्स ने ऑक्टेट रूल को देख कर ही अब ये, हाँ, इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। ऑक्टेट रूल सिंपल वे में आप लिख सकते हो कॉपी के किसी कोने में, ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल ये है किसी भी एलिमेंट, ये नहीं है मेटल है नॉन मेटल है वो नहीं देखता, ऑक्टेट रूल सबके लिए फॉलो हो रहा है। और ऑक्टेट रूल कहता है किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो रहेगा, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोशन में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अभी वो नहीं देखना, अब इसके आउटर मोशन में देखिए 1 है, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी, सबकी कोवैलेंसी 1 1 आ रही है। इवन ऊपर से नीचे की तरफ आओगे आप, ऊपर से हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, इन सब की वैलेंसी 1 होती है, आउटर मोशन में सबकी क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा आउटर मोशन में। जैसे कि अभी हम कॉन्फिगरेशन करें इसी पे करते हैं, हम किसका सोडियम का ही करते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 बचा कितना 1। तो इस तरीके से लास्ट वाले शेल्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो या इस ग्रुप के जितने भी होंगे उसके सबके आउटर मोशन में। पोटेशियम का भी करके देखिए 1 ही होगा इस तरीके से, रुबिडियम का भी करके देखिए 1 ही होगा, ठीक है, सीजियम का भी करके देखिए 1 आएगा, फ्रांसियम का भी करके देखिए 1 आएगा। आप बोलोगे सर इसका तो 57 होता है, 53 होता है, 37 होता है, 55 होता है, इसका कॉन्फिगरेशन हो जाएगा कॉन्फिगरेशन, ठीक है, इन सब की वैलेंसीज 1 होती है, ये याद रख लीजिए। देखिए अरेंजमेंट तो कर रहे हैं ना, अरेंज तो होते जा रहा है ना, इसकी वैलेंसीज सबकी 1 है। अब उसके बाद सेकंड में चलते हैं बेरिलियम वाले में, बेरिलियम वाले का कॉन्फिगरेशन हम करेंगे बोहर नील्स बोहर के अकॉर्डिंग, तब कैसा होगा कॉन्फिगरेशन, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबके, अब ये ट्रिक्स ट्रिक आप देख लीजिएगा आपको, हाँ 2 वैलेंस शेल में 2 होंगे, ये सब याद करने का तरीका होता है, यूट्यूब में भी देखे होगे आप सभी, है लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या वो रहने दो बोल रहा है नहीं देंगे, बाप रोएगा नहीं रहने दे बोलेगा। इसके बाद आलू गाजर इन फैला, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इधर का देख लीजिएगा आप लोग, हमें तो ऐसा ही आ जाए, याद हो जाएगा ये सब क्या होगा। सेकंड अगर बेरिलियम के में चलें और कॉन्फिगरेशन करें तो इसके भी आउटर शेल में सिर्फ 2-2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे पूरा रेड ऑन तक का। कॉन्फिगरेशन करें, चलिए एमजी का करते हैं, एमजी का कॉन्फिगरेशन करेंगे, ये हमने शेल्स बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल्स में, क्योंकि इसकी एनर्जी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की होती है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितने हो गए 10 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और ऑक्टेट रूल क्या बोलता है हमारा, किसी के वैलेंस शेल में यदि आउटर मोशन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका वैलेंस शेल होगा, और इसका 2 है तो इसका 2 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2a लिखा हमने सब में आ जाएगा, सबकी वैलेंसी 2 2 ही आएगी। अब ये एक चीज और है, हमने मेटल नॉन मेटल में भी बताया आपको, मेटल क्या करता है डोनेट करता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और वो स्टेबल हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, और किसी थ्योरी के नहीं। अब ऐसा नहीं है कि ये पत्थर का हो गया स्टेबल, मतलब पत्थर का हो गया, ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल हुआ है,
दूसरा थ्योरी लग जाएगा ना, फिर बाद में देखो। अभी फिलहाल ऑक्टेट रूल चल रहा है आपके में, ऑक्टेट रूल लगाइए, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिए और इसके आउटर मोशन में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ना ही ये किसी को देना चाहेगा, ना ही किसी से लेना चाहेगा। कैल्शियम का करके देखते हैं, इसी में इसका तो हो गया 282, इस तरीके से कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 282। कैल्शियम का करते हैं सीए का, इसमें क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2882। तो इस वाले सेल्स में 8, इस वाले सेल्स में भी 8, कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और बाहर वाले एक और सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सर 20 हो जाएगा। तो इसके आउटर मोशन में 2, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका 2 2 हो जाएगा। अब आ जाते हैं कैनेडियम वाले में, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑक्टेट रूल है, और एक और कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमने आप लोगों को बता रखा है अब बाहु के अकॉर्डिंग, अब बाहु रूल के अकॉर्डिंग हमने बता रखा है कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग है ना, 1s2 2s2 2 2s2 2 2p6 3s2 3s2 2 3p6, ये वाली भी बता रखी है हमने, ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, इसको भी, इसके अकॉर्डिंग भी हमने बता रखी थी। अब चलते हैं स्कैनेडियम, स्कैनेडियम और यटेरियम, दो ही रहते हैं, स्कैनेडियम और लिख देते हैं वाई यटेरियम दो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा जरा देखिए, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, एस सी कितना होता है, 21 होता है इसका, 2 8 8 3, इसके आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन है, 21 हो गया ना, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, इसकी जितनी भी नीचे आएगी, जितना भी तो नहीं आएगा, ये दो ही आएंगे वैसे, ठीक है, इसके नीचे तो लेंथेनाइट एस्टेनाइट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये दो दो हैं, इनकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली बोहर ने अरेंज कर देंगे, देखिए ये जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि इनके ड्रॉबैक भी हैं, लिमिटेशन भी लिखनी है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आपका तो ये भी है, बोरॉन का 5 हो जाएगा, इसका इसका 3 हो जाएगा, आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब इसको चाहिए कितना होगा। बोरॉन का हम करते हैं, ये नॉन मेटल वाले में बहुत वो होता है, आप लोगों को दिक्कत होती है, बी बोरॉन क्या है, B5, ये लिए एक और बना लेते हैं B5, 1 2 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 5 है बोरॉन है, 5 माइनस 8, ये कितना बचेगा, 3 बचेगा है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा वैलेंस शेल में, 3 देखिए, 1 2 3, तो 3 है। अब वैसे कार्बन का भी देखिएगा, तो कार्बन के वैलेंस शेल में एक और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये 5th है, और नाइट्रोजन वाले ग्रुप में देखिएगा तो 5 बढ़ जाएगा, तो इसके वैलेंस शेल में 5 है, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, नियॉन का 0, नियॉन के टाइम पर क्या हो जाएगा, 1, स्टेबल हो जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ऑलरेडी ऑक्टेट है ये, 0 यहाँ 0 क्यों लिखे हैं, इसकी कोई वैलेंसी नहीं होती, कोई चार्ज नहीं होते, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ये जो हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन वाले हैं ना, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ये पहले से बने बनाए होते हैं, इनको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ये सब करने की जरूरत नहीं होती।
आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये पहले से स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसकी वन होगी फ्लोरीन की, जैसे कि यहाँ से वन हटा देंगे तो क्या है, सेवन है, चाहिए कितना, वन, तो वन रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, लिमिटेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या था कि मेरिट्स इनके क्या क्या थे, इसके मोसले के कि इन्होंने मास के अकॉर्डिंग ना करके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंजमेंट करना चाहा, जैसे कि देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो भी यहाँ आता होगा उसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी से सेम मेन खासी होगी, बिल्कुल भी एग्जैक्ट सेम होगी, ठीक है। ये दोनों जैसे कि इसकी वैलेंसी 1, 1 है, इसके अकॉर्डिंगली ये हो गया, ये था इसका मेरिट। डीमेरिट क्या क्या होगा, डीमेरिट इनके क्या क्या हो सकते हैं, डीमेरिट इनके होंगे जैसे कि हाइड्रोजन की जगह ये नहीं बता पाए, हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन जो होता है नॉन मेटल होता है, इसकी सिक्स कोई जगह नहीं बता पाया ये कहाँ रहेगा, ठीक है। रहने के तो ये लिथियम सोडियम के साथ रहता है, लेकिन ये अच्छा मतलब अच्छा फील कहाँ करता है, ये फ्लोरीन वाले के पास ना इस जगह अच्छा फील करता है, ये रहना तो यहाँ चाहता है, ये जो है ये अच्छा फ्लोरीन के पास, ऑक्सीजन के पास, देखिए ना अगर हाइड्रोजन को भी देखोगे NH3O, H2O, फ्लोरीन के साथ HF, ये इन सब के साथ रहना चाहता है, पर ये फिर भी यहाँ है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये यहाँ है, तो इसकी फिक्स जगह नहीं है, अभी भी जगह नहीं है, इसलिए इसको अलग से वहाँ पीरियड इसके लिए बना दिया गया था कि ये इसी जगह ठीक है बाहर। ये हो गया इसकी डिमेरिट। और आइसोटोप्स, आइसोटोप्स आइसोबार आइसोटोप्स जो थे वो फिर बाद में डिफाइन हुए, उसके अकॉर्डिंगली ये एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स क्या होता है सब आप सबको पता है, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट मास इज डिफरेंट, ओह सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, मास इज डिफरेंट, ठीक है। ये थे इनके लिमिटेशंस में दिए गए हैं आपके, ये लोग अक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे हाइड्रोजन का, ठीक है। ये जो थे हमारे मोसले, और एक डिमेरिट ये था कि लैंथेनाइट की जगह भी नहीं बता पाए थे, ये फिर इन्होंने बाद में किसी साइंटिस्ट ने बताया था, ये लैंथेनाइट एस्टेनाइट जो दो एलिमेंट है उनको सेपरेट निकाला गया यहाँ पर बाहर, नीचे हमने बताया था पीरियोडिक टेबल उस टाइम पर, ये थे इनकी लिमिटेशन, देख लीजिएगा लिमिटेशन को, और क्योंकि लिमिटेशन भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। ये दो अब आपका बच्चा है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी के बाद इनका एटॉमिक साइज, मोस्ट ऑफ द एटॉमिक साइज बता देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आओगे हाइड्रोजन से ट्रांसियम की तरफ आओगे साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन की सबसे छोटा होता है लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा, पोटेशियम उससे बड़ा, रुबिडियम उससे बड़ा, सीजियम उससे बड़ा, ट्रांसियम, सीजियम सबसे बड़ा होता है सीजियम, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ बेरिलियम छोटा, मैग्नीशियम बड़ा, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे एटम का साइज भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज तो बढ़ रहा है लेकिन उतना जल्दी नहीं बढ़ रहा जितना जल्दी नीचे आने में, ठीक है। लिथियम से बेरिलियम बड़ा है लेकिन एकदम से ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, लिथियम से सोडियम एकदम से बड़ा हो गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो जगदम बढ़ते जाएंगे एटॉमिक साइज, और लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन कम कम क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे और मेटल नॉन मेटल भी देखेंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। टेस्ट में आएगा दो चैप्टर आ रहे हैं, कार्बन कंपाउंड एटॉम स्ट्रक्चर, सॉरी कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और एटम से कार्बन कंपाउंड से थोड़े से कम, इसलिए पढ़ लेना।
चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलिए ओके बाय।